सितारगंज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन जन तक मेडिकल सुविधा पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, उसके तहत आज सितारगंज के विधायक सौरभ बहुना के द्वारा लोका गांव में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हर तरह के खून की जांचों के साथ साथ कई तरह के निःशुल्क परीक्षण भी किए गए। विधायक सौरभ बहुना ने कहा कि यह योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है, उसे जन जन तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, जिसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। वहीं विधायक सौरभ बहुड़ा ने कहा कि विकलांगों के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है, जैसे कि विकलांगों का पहले सर्टिफिकेट खटीमा में बनाया जाता था, लेकिन अब इस कैंप के माध्यम से विकलांगों का परीक्षण कर जो भी विकलांग की श्रेणी में आ रहा है उसका सर्टिफिकेट तुरंत हाथों हाथ शाम तक इसी शिविर में बना दिया जाएगा। आपके द्वारा हमारे सरकार को योजना भेजी गई है कि आपको हर एससी और एसटी क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में मेडिकल कैंप्स लगवाने हैं, आपको समाज कल्याण के कैंप लगवाने हैं, ताकि जो क्षेत्र की जनता है उनको आसानी हो सके, आप वहीं पर बैठ के उनका इलाज हो सके। आज फ्री की दवाइयाँ बिक रही हैं, यहाँ पे दी जा रही हैं, जो अपने दिल की स्वास्थ्य खराब है उनका ब्लड टेस्ट हो रहा है, उनकी यूरिन टेस्ट हो रही है, उनको विकलांग सर्टिफिकेट बहुत बार ऐसा होता है कि खटीमा में बनाए जाते हैं, तो मैंने सीएमओ मैडम से रिक्वेस्ट करके 2 दिन के लिए उसको सितारगंज में शिफ्ट कराया है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत सुविधा मिल रही है, क्योंकि उनको खटीमा ना जाके यहीं पर उनका विकलांग सर्टिफिकेट सुबह आप अप्लाई करिए और शाम को उसी कैंप में आपको मिल जाएगा। श्रमिक मंत्री के लिए सितारगंज संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।